जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ से लगती है या हमारे डीसी साहब भी कम्युनिकेट करते हैं इमीडिएटली, तो हमने ऑलरेडी इसके लिए अपनी टीम्स बनाई हुई है। जिस भी यूनिट्स की इमरजेंसी होती है उन्होंने डॉक्टर्स की एक लिस्ट बना के रखी होती है, और पैरामेडिकल भी हमने एक ग्रुप में स्ट्रेंथन किया हुआ है। इमीडिएटली इसके लिए हम अपना यहाँ अलर्ट करके उस पेशेंट्स को रिसीव करके, हमारा रूम नंबर 7 है उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद हमने इसके लिए 2 वार्ड डेजिग्नेट किए हैं, इमरजेंसी वार्ड और डिज़ास्टर वार्ड, हमेशा हमारे लिए खाली और तैयार रहता है। इसमें मल्टी इंजूरीज के चांसेस होते हैं क्योंकि पॉलीट्रामा ज़्यादा आता है, हेड इंजूरी हो सकती है, चेस्ट में हो सकता है, एब्डामन में, कहीं भी पैलेट लग सकता है, पर मोस्टली जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वो पेरिफेरल लिम्स इंजरी होती है जो आर्थोपेडिक्स डील करते हैं। लेकिन हमारी जॉइंट टीम होती है, आर्थो सर्जरी CVTS सब लोग एग्जामिन कर लेते हैं, ENT वाले आके चेक कर लेते हैं ताकि कोई पेशेंट नेगलेक्ट नहीं हो।